ठंडे और गर्म दोनों ही रीजन में ये अच्छे से सर्वाइव होने वाला फ्रूट है। ये है हमारे हिमाचल की कैश क्रॉप और बरसात के दिनों में बहुत ही ज़्यादा लगते हैं हमारे यहाँ पे, और बिकता भी बहुत महंगा है। ये इसकी ड्राई फॉर्म है तो इसको बोला जाता है दाड़ू, और ये देखिए कच्ची फॉर्म है, मतलब पक गए हैं, इसको सुखाना होता है इसके बाद। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ यहाँ पे चटनी बनाने के लिए किया जाता है और मेडिसिनल यूज़ भी इसका बहुत है, इसलिए इसको बेचा जाता है। और ये बहुत ही महंगा बिकता है, ये देखिए यहाँ पर सुखाने के लिए रखा हुआ है, तो बिल्कुल ड्राई फॉर्म जो है ये कच्चा है और ये इसकी ड्राई फॉर्म है। तो मार्केट जो रेट रहता है इसका बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। इवन कि जो सड़े हुए दाड़ू होते हैं, दाड़ू बोलते हैं, और अनारदाना जब इसके अंदर से निकाला जाता है, ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं इसको अनारदाना बोलते हैं, तो अगर ये सड़ा हुआ भी है तो भी बहुत ही महंगा जाता है। और ये इस तरह से लगते हैं, अनार की तरह ही होते हैं देखने के लिए, जंगली अनार आप इसको कह सकते हो, पर हमारी लोकल जो डायलेक्ट्स है उसमें बोला जाता है इसको दाड़ू। और ये देखिए ये इस तरह से होते हैं छोटे छोटे। तो मैं अगर इसके प्राइस की बात करूँ ना, तो ये जो सफ़ेद अनारदाना होता है वो भी 250 से 300 रुपये किलो बिकता है, और अगर ये बिल्कुल लाल कलर का हो तो ये 500 से 600 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। इवन कि जो सड़ जाते हैं दाड़ू, उसके जो दाने होते हैं, तो वो भी जो है महंगे बिकते हैं। तो मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा है, दवाइयों में इसका यूज़ होता है, तो इसको काट करके धूप लगा करके छीला जाता है। बहुत मेहनत का काम है, पर यहाँ के लोग जो है इसको एज ए कैश क्रॉप मतलब उगाने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही उग जाते हैं, उगा भी सकते हैं, तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है हमारे पास।